नमस्कार जोहार, स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। JSSC CGL को लेकर के कुछ वीडियोस सामने आए हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। यकीनन परेशान करने वाले वीडियोस हैं, क्योंकि डेट को लेकर के जो स्पेकुलेशन कुछ यूट्यूब चैनल्स के द्वारा किया जा रहा है, उनका ये कहना है कि एग्ज़ामिनेशन सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकता है, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। ठीक, अगर आप सोचें कि एग्ज़ामिनेशन सितंबर अक्टूबर में ये सरकार ले रही है, इसके पीछे का कुछ भी रैशनल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इन तमाम चीज़ों पे आगे चर्चा करूँगा। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। सरकार की, आयोग की क्या तैयारी है, क्या प्रिपरेशन है, ये किसी को नहीं पता है, और ये अच्छी बात है। सहायक आचार्य को लेकर के किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि एग्जामिनेशन अभी होने वाला है। ठीक है ना, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज कर रहे थे कि भैया आप बोल रहे हैं इसीलिए CGL की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी शख्स हैं जो मेरे बोलने से CGL की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मत करिए। ठीक है, आप अपनी नाकामी का या फिर अपने आप थॉट प्रोसेस का ठिकरा किसी और के ऊपर नहीं फोड़ सकते। मैं YouTube पे जब भी वीडियोस बनाता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे जब भी अपलोड होते हैं, उसमें क्या बोलना है मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। हाँ, लाइव में हो सकता है कि कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे बहुत कैलकुलेटेड रहते हैं। मेरा एक एक शब्द जो रहता है बहुत कैलकुलेटेड रहता है। मैंने किसी भी वीडियो में ये आपको नहीं बोला है कि आप बाकी सभी परीक्षाओं को छोड़ करके सिर्फ CGL पर फोकस करिए, ये मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने आपके विवेक के ऊपर छोड़ा है कि आप लोग भी खुद से सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, सिचुएशन का एनालिसिस आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग बच्चे नहीं हैं। ठीक है, अभी आपके पास कोर्ट का भी एग्ज़ामिनेशन है, अगर आपको थोड़ा भी मन में डाउट है CGL को लेकर के, तो आप लोग कोर्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, CGL की तैयारी करना नहीं करना ये एक्सक्लूसिवली आपका डिसीजन है। मैं अगर कर रहा हूँ तो ये मेरा डिसीजन है। ठीक है ना, क्योंकि भविष्य क्या होगा इस एग्ज़ामिनेशन का, ये किसी को नहीं पता है। कुछ यूट्यूब चैनल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिडिक्शन उनका है कि सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ कि अगर ये एग्ज़ामिनेशन होगा तो 15 जुलाई के पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं, जुलाई लास्ट में लेंगे, अगस्त में लेंगे, तो शायद ज्वाइनिंग ये लोग ना दे पाए अपनी सरकार में। और ऐसी मनसा इस सरकार की बिल्कुल नहीं होगी कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम ले लेना है, क्योंकि इसका कोई नतीजा उनको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना टीडियस टास्क है, ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट टास्क है, तो सरकार सिर्फ एग्ज़ाम लेकर के क्यों छोड़ेगी इसको। जाहिर सी बात है, इसको पूरा कंप्लीट कराएगी, ज्वाइनिंग देगी, तभी इनकी वाहवाही होगी। तो ये सोचना बिल्कुल ही बेकार है कि एग्ज़ामिनेशन उतना डिले होगा। अगर होगा CGL तो जुलाई तक हो जाएगा। ठीक है, अगस्त में अगर होता है, उसके बाद मैं ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि अगस्त में भी अगर ये लोग लेते हैं तो उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये दो महीना, अक्टूबर, शायद मिड अक्टूबर तक हो सकता है कि आचार संहिता यहाँ पे लग जाए। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगस्त तक ये लोग एक्सटेंड करेंगे। और मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर सरकार एग्ज़ाम लेगी तो ज्वाइनिंग कराएगी, ये सोच करके लेगी। सिर्फ एग्ज़ाम करा देना है, ये इनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत सारे दोस्त प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लगातार उनका ये मत है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए। तो एक चीज़ दिमाग में रखना है कि ये एग्ज़ामिनेशन इतना बड़ा है ना, कि इसको हम लोग दबाव दे करके नहीं करवा सकते। लास्ट टाइम हम लोगों ने दबाव दिया था, क्या परिणाम आया आप सबको पता है। अगर हम लोगों को फोर्स करना पड़ेगा सरकार को कि आप एग्ज़ाम लीजिए, सरकार का मन नहीं है, तो फिर ये अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाएगा। बिल्कुल स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि 7 से 8 लाख स्टूडेंट है इसमें, तो ये हमारे दबाव से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसमें बिल्कुल शुद्ध रूप से सरकार का बहुत ही क्लियर इंटेंशन चाहिए, उनकी नीति होनी चाहिए। अगर सरकार सोच लेगी, चाह लेगी हमें एग्ज़ाम लेना है, फेयर तरीके से लेना है, तो वो ले लेंगे। हमारे दबाव बनाने के बाद वो एक्ट करेंगे, उसके बाद आकर के सारे काम को करेंगे, तो ये सोचना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी छात्र हैं, ऑटोमेटिक है कि रगों में उबाल है, ठीक है ना, वो देखने को मिलेगा ही। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो टाइम पीरियड है, 4 जून, जैसे ही ये डेट निकलेगा, छात्र सड़कों पर डेफिनेटली आएंगे।
ठीक है ना। और सरकार ये सारी बातें कहीं ना कहीं पता है कि छात्रों के मन में सीजीएल को लेकर के क्या भावना है, क्या सोच है, ये सरकार भी इस बात को जान रही है। और आगे क्या करना है ये किसी यूट्यूब चैनल या किसी के बात में आपको नहीं आना, आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, आप कहाँ अपने आप को देखते हैं, ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए। मुझे ब्लेम कृपया करके ना किया करें, ठीक है। और वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए, शब्दों को मेरे ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि आप रेलवे की तैयारी को छोड़ दीजिए, मत करिए, सिर्फ सीजीएल करिए। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे अप्लाई भी नहीं किया है, ना ही वो सिविल कोर्ट अप्लाई करने वाले हैं, उनका एक ही एग्जामिनेशन है सामने सीजीएल। तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन क्या है? आप पढ़िए, पढ़ ही सकते हैं जब एक ही एग्जामिनेशन आपके सामने है, तो आप तो फिर सोच ही नहीं सकते ना दूसरा, फिर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार आपको बोल दूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी तैयारी चल रही है। अब वही दूसरी तरफ अगेन बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है और फिर से लोग डिमोटिवेट हो गए हैं। और बिल्कुल डिमोटिवेशन होता है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन जब लगातार इस तरह के वीडियोज़ आते हैं और वीडियोज़ के थ्रू बोला जाता है कि एग्ज़ाम अगस्त तक नहीं हो पाएगा, लेट होगा, एजेंसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं इनको कौन बोलता है कि एजेंसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर हो गया है, कहाँ से इनको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है? ये किसी को नहीं पता है कि एजेंसी का सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, क्या होगा, नहीं होगा। जीएसएससी क्यों बताएगी आपको? ठीक है, बस ध्यान एक चीज़ का देना है, बस एक बात का ध्यान रहे कि अगर आयोग 10 दिन या एक सप्ताह पहले आपको नोटिस देती है कि फलाने तारीख को आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो उस सिचुएशन के लिए लोग तैयार रहें। फिर ये ना बोले कि हमारी तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चैनल के माध्यम से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयार रहिए, ठीक है ना। चाहे आप जिस भी एग्ज़ामिनेशन कर रहे, आप रेलवे के ही कर रहे हैं, वहाँ भी जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग सारा चीज़ होगा ही, तो उसको प्रिपेयर रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल समय वेस्ट नहीं कर देना, 1-2 महीना अभी का जो है इसको वेस्ट नहीं करना है। अपने स्तर पर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बाकी थोड़ा सा माहौल अभी डेफिनेटली निराशावादी माहौल बन गया है फिर से झारखंड में सीजीएल को लेकर के, तो देखते हैं थोड़ा सा ये चीज़ें स्पष्ट हो जाए, उसके बाद तैयारी इसका फिर से स्टार्ट किया जाएगा। बाकी जिन लोगों का मेंस निकला है, मुझे लगता है कि अब मैक्सिमम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल को लेकर के अनसर्टेन है, तो करिए मेंस की तैयारी, अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी है, आंसर राइटिंग करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेंस को लेकर के अभी आप कुछ बात करिए। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, पीटी मैंने पहले भी निकाला था, बीपीएससी का भी पीटी मैंने निकाला है, ठीक है। लास्ट ईयर 7th JPSC में भी मेरा पीटी में काफ़ी अच्छा नंबर था, कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशन था जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने ओएमआर सीट गलत फिल कर दिया था, ठीक है। और इस बार पीटी क्लियर हुआ, तो पीटी का मुझे आइडिया है और उसको लेकर के मैं लगातार बात करते आया था। मेंस का मेरा उतना आइडिया है नहीं, मैंने बिहार मेंस भी सीजीएल के चक्कर में छोड़ा था कि उस टाइम भी इसी प्रकार का सिचुएशन था। आप सब जानते हैं कि सीजीएल को लेकर के हमेशा इस प्रकार का सिचुएशन पिछले 2 साल से बन रहा है कि अब 1-2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उस टाइम भी ऐसा ही माहौल था, तो मैंने बिहार मेंस को स्किप किया था। वैसे भी उस टाइम पे इतने कम टाइम में मेंस की तैयारी नहीं हो पाती, तो मैंने मेंस बिहार का दिया नहीं था, ठीक है ना। तो अभी मैं जेपीएससी का देने वाला हूँ, ठीक है ना, तो मुझे उतना अनुभव नहीं है मेंस का। और जब मुझे अनुभव नहीं है, वैसे बताने का तो मैं बहुत चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं मेंस दे लूँ, उसके बाद अगली बार जो भी लोग जेपीएससी देंगे, तो मैं इसको लेकर के कुछ सटीक बात आपको बता पाऊँगा, ठीक है ना। अभी मैं जिस फील्ड में खुद नहीं गया हूँ, मैंने जिस लड़ाई को खुद नहीं लड़ा है, मैं उसके बारे में कैसे आपको बता सकता हूँ? और ये मेरी हैबिट में भी नहीं है। जो मुझे लगता है कि मैं बता सकता हूँ आपको, जिस पे मैं गाइड कर सकता हूँ, वो डेफिनेटली कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी आपका आगे का टाइम पीरियड है, जो भी आप डिसाइड करेंगे अपने स्तर पर, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो भी करिएगा मन से करिएगा, और हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है इसको स्किप मत करिए। मैं बहुत स्ट्रेस देकर के इस बात को बोल रहा हूँ, जितने भी लोग, भले आप जेपीएससी मेंस भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी जेपीएससी मेंस आप सबको पता है 7,000 लोग पास कर गए हैं, होना है सिर्फ 342 लोगों का,
बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, लास्ट में सीजीएल और हाई कोर्ट पे ही आएंगे ऐसे सारे लोग। तो यथार्थ से रियलिटी से भागना नहीं है, इसीलिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और यूट्यूब पे से बात बोलना सही नहीं है, हर किसी को पता है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्ट में है, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सब लोग अरेंज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी अरेंज करिए और इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करिए, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा बहुत इंग्लिश की पढ़ाई इसमें आपको करनी है तो कर लीजिएगा, 20 नंबर का इंग्लिश पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा तो नहीं कि 50 नंबर का पूछ रहा है, 20 नंबर के लिए तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं, ठीक है। जिनका भी एज है आप लोग करिए, और बाकी जिनका नहीं है, जिनका सिर्फ और सिर्फ सीजीएल एक आशा है, तो सीजीएल के लिए भी आप लोग पढ़िए। अगर आपके पास सिर्फ सीजीएल एक ऑप्शन है और ज़्यादा पढ़िए आप लोग, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों के पास तो दूसरा ऑप्शन भी है। सीजीएल में नहीं होगा तो कुछ और देख लेंगे, लेकिन आपके पास कोई उपाय नहीं है, सिर्फ सीजीएल है, तो आप मैक्सिमम टाइम अपना सीजीएल को दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है छात्रों के पास। सुनने में आ रहा है कि इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में जेएमएम पिछली बार से बेटर परफॉर्म कर जाए। ये गठबंधन की सरकार है, पिछली बार 2 सीटें इन्होंने जीती थी, इस बार हो सकता है कि 3 से 4 सीट 5 सीट शायद जीत जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेगी और ये मानेगी कि जनता इनके साथ है। जब से ये सरकार बनी है, शुरुआत से ही जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं सारा इन्होंने जीता है, अब लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके काम पे मोहर जनता लगा रही है, ठीक है ना। आखिर मैसेज चुनाव ही है ना, चुनाव से ही मैसेज जाता है। आप खुद देखिए ना कितने उपचुनाव हुए, सारा का सारा इन्होंने जीता है, शायद देख रहा है, लेकिन बाकी सब इन लोगों ने जीत लिया है, तो कहीं ना कहीं इनके काम पे तो मोहर लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का थ्रेटनिंग देना कि हम सरकार ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब बेकार की बात है। झारखंड में छात्र शक्ति इतनी ज़्यादा यूनाइटेड नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि ये सरकार बना सकती है, बिगाड़ सकती है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही होशियारी से आगे का काम करना है, ठीक है ना। बाकी वेट करिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एवर ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद तमाम जितने भी बड़े शिक्षक हैं, जितने भी छात्र नेता हैं, सबसे मिल करके लोग बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, और सीजीएल को लेकर के क्या आगे करना है कि 4 तारीख के बाद ही किया जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक स्वतः एक आंदोलन खड़ा होगा 4 तारीख के बाद, तब तक के लिए वेट करिए, सिर्फ वेट मत करिए, पढ़ाई भी करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।